गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14, ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, वो कितने प्रकार के हैं, एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत क्या है, उसके गुण क्या क्या होते हैं, ईंधन क्या होता है और ईंधन के एक आदर्श ईंधन के क्या क्या गुण है। चलो शुरू करते हैं हम ऊर्जा के स्रोत से। देखो आजकल लगभग हर काम में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घरों में जो टीवी पंखे चलते हैं उनमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गाड़ियां चलती हैं तो उनमें पेट्रोल डालना पड़ता है, वहाँ भी ऊर्जा है, लकड़ी की चाहिए हमें, कोयला चाहिए। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मशीनीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ रही है। लग्जरी लाइफ के लिए हमें मशीनों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और मशीनों के लिए हमें चाहिए ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, उन्हीं सोर्सेज के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, एक ऊर्जा का स्रोत मतलब वह पदार्थ, वह चीज जो हमें ऊर्जा देती है। हम ऊर्जा किस रूप में लेते हैं, देखो ऊर्जा हमें या तो ऊष्मा के रूप में चाहिए, या हमें ऊर्जा प्रकाश के रूप में चाहिए, या ध्वनि के रूप में चाहिए। लेकिन इन सभी रूपों में हमें ऊर्जा का कोई ना कोई सोर्स चाहिए, कोई स्रोत जो ऊर्जा देगा। देखो ऊर्जा का स्रोत मतलब क्या, मतलब उसके अंदर ऊर्जा है, बाउंड है, और वो ऊर्जा उस रूप से जो उसके अंदर थी वो बदल जाएगी उस रूप में जिस रूप में हमें चाहिए। देखो भाई हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार मतलब भाई ऊर्जा को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, मतलब ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है। हम ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब जिस रूप में हमें ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी किसी ऊर्जा के स्रोत से, लेकिन उस स्रोत में ऊर्जा किस रूप में है वो निर्भर करता है स्रोत के ऊपर। जैसे मान लो कोयला है, कोयले के अंदर जो ऊर्जा उसके अंदर भरी हुई है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में है। जैसे ही हम उसको जलाएंगे तो वो रासायनिक ऊर्जा बदल जाएगी किसमें, उष्मीय ऊर्जा में, ठीक है। जैसे विद्युत आई, जो इलेक्ट्रिसिटी घरों में आती है वो विद्युत ऊर्जा है, और उसने फैन को चला दिया तो पंखा चल पड़ा तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। जैसे ही बल्ब जलेगा तो विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में और उष्मीय ऊर्जा में, वो गर्म भी हो जाता है तो उष्मीय ऊर्जा में बदलती है। मतलब ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो सीमित हैं और वो खत्म हो रहे हैं, और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। देखो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जरूर चली जाती है, और वो एक ऐसे रूप में चली जाएगी जिससे दोबारा से ऊर्जा प्राप्त करना थोड़ा कठिन होगा। कर तो सकते हैं बट थोड़ा कठिन होगा। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि भाई विद्युत ऊर्जा को हमने बदल दिया किसमें, बल्ब ने उसको प्रकाश ऊर्जा में और उसमें ऊर्जा में बदल दिया, लेकिन उस प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा को दोबारा से विद्युत में बदलने में कितना समय लग जाएगा। मतलब या तो उसको इतनी आसानी से बदल नहीं पाएंगे, और अगर बदल भी सकते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ऊर्जा को प्रयोग करते हैं तो ऊर्जा एक ऐसे रूप में चली जाती है जिससे दोबारा उसी रूप में लाने के लिए हमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, या फिर बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है उसको दोबारा से उसी रूप में लेके आना। इसलिए हम कह देते हैं कि ऊर्जा को बचाओ या ऊर्जा खर्च हो रही है। लेकिन ऊर्जा हालांकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा बस एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है, बस वो जिस रूप में चली गई उस रूप से दोबारा से उस रूप में लेके आना जिसमें हमें उसकी जरूरत है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये तो वैसे ही मैंने बता दिया थोड़ा सा कंसेप्ट। तो हम पढ़ते हैं ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमें ऊर्जा देगा हमारी आवश्यकता अनुसार, जिस रूप में हमें ऊर्जा चाहिए उस रूप के अनुसार हमें ऊर्जा देगा वो। अगर हमें उसमें ऊर्जा की आवश्यकता है तो हमें उसमें ऊर्जा देगा, हमें प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो प्रकाशीय ऊर्जा देगा, लेकिन वो ऊर्जा जरूर देगा, वही ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और ये होता है नॉन रिन्यूएबल
एबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। मैं रिन्यूएबल क्यों बोल रहा हूँ, री का मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया, एबल मतलब समर्थ है, मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत या ऐसी ऊर्जा जिसको हम दोबारा से नया कर सकते हैं, मतलब जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है, वो होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और अनवीकरणीय मतलब इसका विपरीत हो गया, जिसको हम दोबारा से उत्पन्न नहीं कर सकते। तो यहीं से परिभाषा बन जाएगी भाई कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हो गए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, मतलब यह कह लो कि जिसको हम बार बार नया कर सकते हैं, वो होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और ये इनको असीमित भी बोल सकते हैं, मतलब ये सीमित नहीं है, जब बार बार प्रयोग कर सकते हैं तो ये तो असीमित है, तो इनके सीमित भंडार नहीं है, इनके असीमित भंडार है जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर इन देखे, जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा ठीक है, और पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, या जल ऊर्जा, जल ऊर्जा मतलब जो पानी से ऊर्जा प्राप्त होती है, और समुद्री ऊर्जा। समुद्री ऊर्जा का मतलब क्या है भाई, जो समुद्र से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। समुद्र से ऊर्जा किन रूपों में प्राप्त होती है, समुद्र से हमें ऊर्जा तरंग ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, हमें ज्वारीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, ज्वारीय ऊर्जा ठीक है। एक होती है भाई सागरीय तापीय ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा ठीक है, और एक होती है भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, एक जैव मात्रा ऊर्जा होती है, जैव मात्रा ऊर्जा ठीक है। ये सारी की सारी जो मैंने बताई है, ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं, इनमें कहीं ना कहीं ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, मतलब क्या, इनके सीमित भंडार नहीं है, असीमित भंडार है। सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य से प्राप्त होती है। अब सूर्य तो लगभग 5 अरब साल से चमक रहा है और आने वाले 5 अरब साल और चमकने वाला है, तो इतने सालों तक हमें ऊर्जा देगा सूर्य। देखो वैसे देखा जाए तो इस धरती पे जो भी ऊर्जा हमें मिल रही है ना, जितनी भी ऊर्जा, वो सारी की सारी ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है। सूर्य, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इस अर्थ के ऊपर जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है सब सूर्य से मिलती है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। अभी नवीकरणीय मैंने बता दिया कि जो बार बार प्रयोग हो सकते हैं, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, इन्हीं को बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल, मतलब गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ठीक है भाई, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है अनवीकरणीय, जिनको हम दोबारा से नया नहीं कर सकते, या ये कह लो कि भाई जिनका हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, एक बार प्रयोग करेंगे तो दो एक खर्च हो जाएगा, वो फिर दोबारा उसका दोबारा निकालना पड़ेगा, यूज करेंगे खर्च हो जाएगा, तो बार बार निकालते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ऊर्जा का स्रोत है ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इनको, ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनको बनाने में लगभग लाखों करोड़ों, लगभग तो क्या लाखों करोड़ों सालों का समय लग जाता है, किनको बनाने में, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसमें उदाहरण है जैसे जीवाश्म ईंधन, इसका उदाहरण क्या है, जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आएंगे, एक आता है कोयला और एक आता है अभी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम, ये दो ही आते हैं किसमें, जीवाश्म ईंधन में। अब कोयला बना है अर्थ में करोड़ों साल में और पेट्रोलियम भी करोड़ों साल लग गए इसको बनने में, अगर हम इनका प्रयोग लगातार करते ही रहेंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी भी सीमित मात्रा है। और एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में एक होता है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, देखो नाभिकीय ऊर्जा, हालांकि नाभिकीय ऊर्जा हम कहते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा भी बहुत अच्छा साधन है ऊर्जा का, अच्छा तो है, बट नाभिकीय ऊर्जा जिससे प्राप्त होती है वो पदार्थ जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम वगैरह है, उनकी मात्रा धरती पे निश्चित है, उनकी भी सीमित है, मतलब हम उनको कुछ सालों तक प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो असीमित है और उनका प्रयोग करते जाओ और वो
खत्म ही नहीं होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा में जिस पदार्थ का प्रयोग होता है उनकी मात्रा भी सीमित होती है, वो भी समाप्त होने वाले हैं और वो भी कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे अगर हम लगातार उनका प्रयोग करते रहेंगे। तो ये जो जीवाश्म ईंधन और नाभिकीय ऊर्जा है इनकी मात्रा होती है सीमित, मतलब ये कभी ना कभी कोई अर्थ से समाप्त हो जाएंगे। तो भाई ये हो गए नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है हम इनको बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और इनको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्यों बोला जाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत? क्योंकि भाई हम इनका प्रयोग प्राचीन समय से कर रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं, इसलिए इनको परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी बोला जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एक और दूसरा नाम है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है इनको, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेट का मतलब ये समझ लो कि विकल्प है, ये किसका विकल्प है, मान लो ये आने वाले समय में एक समाप्त हो जाए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो उनकी जगह पे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये एक विकल्प है। किसका विकल्प है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का। ठीक है, ये तो हो गया भी दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत। अब है एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत जो है उसके कौन से गुण है, ये पेपर में आता प्रश्न, ये अच्छा ऊर्जा का स्रोत क्या होगा। देखो एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत वह, मान लो उदाहरण लेके चले, जैसे हम अपने घरों में ऊर्जा का स्रोत कौन सा प्रयोग करते हैं, हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं। तो एलपीजी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो देखो एलपीजी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन या स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, स्वच्छ मतलब उसके जलने से प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, वो जलेगा तो उसमें पीछे अवशेष भी बहुत कम रहते हैं, मतलब अवशेष तो बचता नहीं, ऐसा नहीं कि उसमें से राख निकलेगी। तो एक स्रोत, एक ऊर्जा का स्रोत, एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ हो, मतलब जिसके जलने से सूर्य ऊपर, तो एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत वही है जो जलने पर वायु का प्रदूषण नहीं करता या पीछे उसके अवशेष नहीं बचते। दूसरा अच्छा ऊर्जा का स्रोत वह है जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जो सस्ता हो और जिसको भंडारित करना आसान हो। जैसे एलपीजी को हम आसानी से सिलेंडर में भर लेते हैं और उसको लाना ले जाना भी आसान है, उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से गुण होंगे एक अच्छे जो ऊर्जा का स्रोत है उसके कौन कौन से गुण होंगे? देखो वो सस्ता है, सुलभ है, सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होने वाला है, उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकता है। चौथा वो अगर जलता है तो वो वायु का प्रदूषण ना करने वाला हो, और अगर वो जले तो पीछे अवशेष ना बचे, मतलब उसमें से राख ना निकले। इसके अलावा जैसे अगर वो जलता है तो अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला हो, अधिक ऊर्जा मतलब जैसे भी इकाई मात्रा में, जैसे अगर एक ग्राम हम जलाएं, एक तो कोई चीज है जो एक ग्राम जले और दो किलो जूल ऊर्जा निकाले, और एक ऐसी चीज है जो एक ग्राम जले और 20 किलो जूल ऊर्जा निकाले, तो कौन सा ऊर्जा का स्रोत अच्छा है? तो जो 20 किलो जूल ऊर्जा निकालेगा वो अच्छा होगा। तो एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत वही है जो इकाई मात्रा में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है ना, तो ये भी उसका गुण है। तो एक स्वच्छ ईंधन के ये गुण है, ये पेपर में आते हैं, ठीक है, इनको याद करना है, पॉइंट में ही लिखना इनको। जैसे नंबर एक भाई वो आसानी से प्राप्त होने वाला हो, दूसरा वो सस्ता हो, और तीसरा उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, और वो जलने पर वायु का प्रदूषण ना करे, चौथा भाई इकाई मात्रा में वो अधिक ऊर्जा छोड़ता है, इकाई मात्रा में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे, ठीक है, और जलने पर उसमें से कोई भी अवशेष ना निकले। ठीक, तो ये है क्या एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत के गुण। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि ईंधन क्या होता है। देखो ईंधन भी ऊर्जा का स्रोत ही है, लेकिन थोड़ा सा परिभाषित तो करना ही पड़ेगा, पढ़ रहे हैं तो ईंधन क्या है। ईंधन देखो, ईंधन वैसे तो नाम सुनते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्लासों में। ईंधन होता है कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका प्रयोग हम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ईंधन का प्रयोग हम लगभग जलाने के लिए करते हैं, जैसे घरों में एलपीजी है, ईंधन है, चूल्हे में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, या गाय के जो गोबर के उपले बनते हैं उसका प्रयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल सब ईंधन है, क्यों कहीं ना कहीं इनका प्रयोग हम जलाने के
जलाने के बाद उष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो ईंधन का प्रयोग ज्यादातर हम उष्मा प्राप्त के लिए ही करते हैं। तो ईंधन क्या हुआ, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका प्रयोग हम उष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं उसको बोला जाता है ईंधन। ठीक, तो ईंधन के बहुत सारे उदाहरण हैं, लकड़ी है, गोबर के उपले हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ठीक, ये सब ईंधन है। अब पेपर में जो प्रश्न आता है वो ऐसा ही आता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत के क्या गुण है, ऐसे ही प्रश्न आ जाता है कि आदर्श ईंधन के कौन कौन से गुण होते हैं, आदर्श ईंधन क्या होता है। देखो, एक आदर्श ईंधन के वैसे तो बहुत सारे गुण वही हैं जो एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत के होते हैं, जैसे भी वो सस्ता हो, आसानी से प्राप्त होने वाला हो, जिसको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, और जो जले तो बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे, जले तो वायु प्रदूषण ना करे, जले तो पीछे अवशेष ना छोड़े, ठीक है ना, ये तो है ही। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, उसका उष्मीय मान अधिक हो, उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। एक होता है ज्वलन ताप, एक होता है उष्मीय मान, ये दोनों चीज क्या है। उष्मीय मान का मतलब है जब कोई पदार्थ जलता है तो वह कितनी उष्मा देता है। मान लो आपके पास 1 ग्राम कोल है, कोयला है, 1 ग्राम आप लोगों के पास लकड़ी है, अगर हम कहें कि 1 ग्राम आप लोगों के पास हाइड्रोजन है या एलपीजी है, या 1 ग्राम आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि समान मात्रा लेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ अधिक ऊर्जा दे रहा है। तो उष्मीय मान का मतलब है किसी पदार्थ के 1 ग्राम जलने पर उससे उत्पन्न ऊर्जा, उसको बोला जाता है उसका उष्मीय मान। जैसे 1 ग्राम अगर हम लकड़ी को जलाएं तो भाई 8 से 9 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, 1 ग्राम कोयले को जलाएंगे तो 18 से 20 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, ठीक है, एलपीजी को जलाएंगे तो भाई लगभग 45 से 50 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाएं तो 150 किलो जूल ऊर्जा निकलती है 1 ग्राम हाइड्रोजन से। अब 1 ग्राम सबका 1 ग्राम प्रयोग करते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो उसका उष्मीय मान है। अब हम कहेंगे तो हाइड्रोजन कितनी ज्यादा ऊर्जा दे रहा है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग करो घरों में, लेकिन भाई हाइड्रोजन बहुत कम है, हाइड्रोजन को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अभी हम आदर्श ईंधन की बात कर रहे हैं ना, तो आदर्श ईंधन का मतलब जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके, लेकिन हाइड्रोजन को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है घरों तक जो आसानी से अवेलेबल है तो हम उसी का प्रयोग करेंगे और इसी को आदर्श ईंधन मानेंगे। तो एलपीजी को हम बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए हम एलपीजी का प्रयोग करोगे आजकल ज्यादा करते हैं। तो उसमें मान मतलब किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम जलने पर जो ऊर्जा छोड़ता है वो उसका उसमें मान है। तो हमारे लिए ईंधन का उसमें मान अधिक होगा तो फायदेमंद है। तो ईंधन हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसका उसमें मान अधिक है। ज्वलन ताप क्या होता है, प्रत्येक ईंधन को जलाने के लिए उसको किसी तापमान तक गर्म करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कोयले को जलाना है तो पहले उसको गर्म करना पड़ेगा तब वो जलना शुरू करेगा, लकड़ी को जलाना है तो पहले उसको गर्म करो फिर एक तापमान पे पहुंच के वो जलना शुरू कर देगा, कागज को भी गर्म करना पड़ेगा, मान लो एक फुलझड़ी है आपके पास उसको गर्म करोगे तब वो जलना शुरू करती है। तो जिस तापमान पर कोई वस्तु जलना शुरू कर दे वो उसका ज्वलन ताप है। अब ज्वलन ताप ईंधन का कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए भाई, ना तो बहुत कम होना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखो मान लो किसी का ज्वलन ताप है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 20 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होते ही और आग पकड़ लेगा, क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तो हमारे घर के कमरे का भी होता है 20 डिग्री सेल्सियस, अब इतना तापमान पे अगर वो आग पकड़ लेगा तो वो तो डेंजरस है, वो तो खतरनाक हमारे लिए। तो इतना कम ज्वलन ताप भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि 200 डिग्री सेल्सियस हो, अब उसको गर्म करते रहो सुलगाते रहो वो आग ही ना पकड़े, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर होना क्या चाहिए, तो इसका ज्वलन ताप बीच का होना चाहिए, मतलब ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज्यादा हो। जैसे अगर इसका ज्वलन ताप 80 डिग्री सेल्सियस है तो ठीक है, मतलब भाई अगर गर्मियों में तापमान पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना पहुंच जाएगा 40-45-50 डिग्री सेल्सियस, तब भी अगर हम इसको बाहर भी रखते हैं धूप में तब भी ये आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब इसको गर्म करते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस तापमान तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो ये जलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एडिक्वेट
ज्वलन ताप जो होता है इग्निशन टेम्परेचर एक एडिक्वेट होना चाहिए, ना तो बहुत लो और ना ही बहुत ज्यादा हाई। अब मान लो उदाहरण के लिए आपके पास एक ईंधन है जिसका उष्णीय मान कितना है भाई 50 किलो जूल है उष्णीय मान, लेकिन इसका ज्वलन ताप कितना है, इसका ज्वलन ताप है 20 डिग्री सेल्सियस, और एक ईंधन है आपके पास जिसका उष्णीय मान है 30 किलो जूल और उसका ज्वलन ताप है 80 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या कहोगे, मतलब आपके लिए कौन सा बेटर है, कौन सा ईंधन आपके लिए अच्छा है? तो आपको लगेगा कि 50 किलो जूल ऊर्जा दे रहा है ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका ज्वलन ताप है, 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही ये जलना शुरू कर देगा, और इसको अगर घर में भी रख दिया तो ये खतरनाक है कि कभी भी आग पकड़ सकता है, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए देखो ये 30 किलो जूल ऊर्जा तो दे रहा है, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, सेफ है, इसको लाना ले जाना भी सेफ है, ठीक है, हैंडल करना भी सेफ है, इसलिए ये हमारे लिए जो नीचे वाला जो है ये हमारे लिए अच्छा ईंधन साबित होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरा भाई एक और एक गुण है इसके, एक आदर्श ईंधन का एक और गुण है यार, ये शुरू कर देते हैं ना जानवर, तो भाई एक आदर्श ईंधन का एक गुण और होता है, होता है ज्वलन दर, ज्वलन दर, ज्वलन दर क्या होती है, मतलब वो किस दर से जल रहा है, जिस दर से हमें चाहिए, अगर वो उस दर से जल रहा है तो हमारे लिए आदर्श ईंधन है। उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं ये कहूँ, जैसे मान लो आपके पास कोई ईंधन है और आपने उसको जलाया और एकदम तेजी से जला और बंद हो गया, क्या वो ईंधन हमारे लिए सही है? नहीं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और एक ऐसा ईंधन जिसको हमने जला दिया, वो जल रहा है, धीरे धीरे जल रहा है, जितनी ऊर्जा हमें चाहिए वो जल तो रहा है और लंबे टाइम तक जलता भी रहेगा, लेकिन वो इतनी ऊर्जा नहीं दे रहा है जितनी ऊर्जा हमें चाहिए, तो क्या वो ईंधन हमारे लिए सही है? वो भी ईंधन हमारे लिए सही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, उसकी ज्वलन दर, मतलब जिस दर से वो जल रहा है, वो दर भी ना तो बहुत कम होनी चाहिए ना ही बहुत अधिक होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ऊर्जा तुरंत दे दे और फिर बंद हो जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत लंबे टाइम तक चलता तो रहे लेकिन कम ऊर्जा दे, एक एडिक्वेट उसकी एडिक्वेट अमाउंट में हमें ऊर्जा दे और लंबे टाइम तक चलता भी रहे, ऐसा ईंधन हमारे लिए आदर्श होता है। तो ये कुछ भाई आदर्श ईंधन के गुण थे। और एक और बात है, एक ईंधन ऐसा होना चाहिए जो नॉन वोलेटाइल हो, मतलब क्या, मतलब वाष्पीकरण जिसका ना होता हो, ऐसा ईंधन होगा तो अच्छा है, क्योंकि हम उसको आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि जिसको रखने से उसका वाष्पीकरण होना शुरू हो जाए तो वो कुछ टाइम के बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा और आखिर में कुछ नहीं बचेगा, सारा वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो ये क्या थे, आदर्श ईंधन के गुण थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है ये प्रश्न भाई, ठीक है, क्या आदर्श ईंधन के कौन कौन से गुण होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, उदाहरण मैंने बता दिया, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब जो ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग हम प्राचीन समय से कर रहे हैं उनको बोला जाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो आनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं वही परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, तो इन्हीं को बोला जाएगा, आनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बोला जाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन कौन से आते हैं, देखो इसमें एक तो आता है भाई जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ठीक, और एक आता है इसमें आता भाई ये थर्मल पावर प्लांट आता है और हाइड्रो पावर प्लांट आता है, हाइड्रो पावर मतलब जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, एक आता है तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, ये चीजें हैं, इनका प्रयोग हम पुराने समय से कर रहे हैं, हालांकि हम पवन ऊर्जा का प्रयोग भी पुराने समय से कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोग लिमिटेड था, मतलब बहुत कम चीजों में उनका प्रयोग होता था, जैसे आटा चक्की में उसका प्रयोग कर लिया, बिजली बनाने में उसका प्रयोग नहीं होता था, पवन ऊर्जा का प्रयोग, इसलिए मैंने इसमें पवन ऊर्जा नहीं लिखा है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में एक जीवाश्म ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन में कौन कौन सा, एक होता है कोयला और एक होता है भाई पेट्रोलियम, ये दो चीजें होती हैं किसमें, जीवाश्म ईंधन में, जिनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोयले की, तो कोयला क्या है,
कोयला कैसे बना, लाखों करोड़ों साल पहले धरती के ऊपर जो जंगल थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे लाखों करोड़ों साल पहले, जिम्नोस्पर्म ज्यादा पेड़ थे पहले, जब डायनासोर का टाइम था इधर, तो उस समय जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट थे धरती के ऊपर, एंजियोस्पर्म्स नहीं थे, और जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो किसी कारणवश, जैसे कोई भाई धूमकेतु टकराया, उल्का पिंड गिरा धरती के ऊपर, किसी भी कारण से अगर उस समय की जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई, तो सारे के सारे जो जंगल हैं वो बर्बाद हो गए, वो टूट के नीचे गिर गए या मिट्टी में दब गए। अब समय के साथ जैसे जैसे मिट्टी उनके ऊपर जमती चली गई, तो समय के साथ जैसे जैसे समय बीता, तो पेड़ जो टूटे थे उनके ऊपर मिट्टी जमा होती चली गई, तो मिट्टी की बहुत ज्यादा परतें उनके ऊपर जमा हो गई, जिसके कारण प्रेशर बढ़ गया और नीचे तापमान भी बढ़ गया। तो तापमान बढ़ने से और प्रेशर बढ़ने से जो ये पेड़ थे, पेड़ जो लकड़ी थी, उसका रूपांतरण हो गया, वो किस में परिवर्तित हो गए, वो बदल गए कोयले में। क्यों? क्योंकि नीचे दबने से उनको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हुई, अगर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती तो वो पूरी तरह से उनका ऑक्सीकरण हो जाती, मतलब ऑक्सीकरण हो जाता तो मतलब वो जल जाते, ये समझ लो, उनमें कुछ भी नहीं बचता। लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी तो अनएरोबिक कंडीशन थी, अनएरोबिक कंडीशन का मतलब है भाई अवायवीय स्थिति थी उस समय। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो पूरी तरह से जल नहीं पाए, लेकिन तापमान अधिक होने से और प्रेशर अधिक होने से इनका रूपांतरण हो गया, किसका, लकड़ी का, किस में परिवर्तित हो गए, वो कोयले में बदल गए हैं। कोयला अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें, है क्या चीज, जिस चीज जो चीज लकड़ी में थी वही कोयले में होगी, मतलब ये क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया। इसके अलावा दूसरे भी चीजें हैं, जो लकड़ी है वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनती है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादातर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनते हैं, इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर अधिक होती है, इसके अंदर कोयले के अंदर। काले से रंग का पदार्थ होता है, खदानों से निकाला जाता है, ठीक है। अब ये कोयला हम मान लो, इस कोयले को अगर हम जलाएंगे तो इसकी ये पीछे इसमें से बहुत ज्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं। क्यों? क्योंकि इस कोयले के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर गैसें भी होती हैं, नाइट्रोजन और सल्फर एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। जब ये जलेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर का ऑक्साइड भी बनता है, तो वायु का बहुत अधिक प्रदूषण होता है इसके जलने से, कोयले के जलने से। तो हम क्या करते हैं, हम कोयले को एक बंद चैम्बर में वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर देंगे, बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो वोलेटाइल मटेरियल होगा, मतलब जो वाष्पीकरण होने वाला पदार्थ होगा, वो वाष्पीकृत होके उड़ जाएगा और पीछे जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे भाई कोक। क्या बोलेंगे? कोक। कोक ऐसा पदार्थ है जो कोयले से अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब ये जलता है तो ये स्मोकलेस होता, मतलब धुआं नहीं निकलता और पीछे इसकी राख भी नहीं बचती, ठीक है, बात समझ में आएगी। तो ये होगा भाई कोयला, कोयले के बारे में। अब बात करते हैं किसकी, पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम होता है कच्चा तेल जो धरती से निकाला जाता है, इसको पेट्रोल से कंफ्यूज मत करना कि पेट्रोलियम और पेट्रोल एक ही चीज है, ये मत समझना, नहीं, पेट्रोल अलग चीज है, पेट्रोलियम अलग चीज है। पेट्रोलियम होता भी कच्चा तेल, कच्चा तेल बहुत ही गाढ़ा द्रव होता है, काले से रंग का, जैसे कई बार गाड़ियों से निकालते हैं ना काला तेल निकालते हैं जब सर्विसिंग के टाइम, तो उस प्रकार का कुछ तेल होता है ये पेट्रोलियम, जो धरती से निकाला जाता है। जहां पे पेट्रोलियम मिलता है, इसी जहां पे पेट्रोलियम के नीचे भंडार होते हैं ना, उस पेट्रोलियम के ऊपर एक गैस भी होती है जिसको बोला जाता है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो अब जब इस पेट्रोलियम को हम बाहर निकालेंगे तो इनको, इसको पहले रिफाइनरी में ले जाया जाएगा, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते। अब रिफाइनरी में इसकी रिफाइनिंग होती है, रिफाइनिंग मतलब इसको साफ किया जाएगा। साफ कौन सी विधि द्वारा किया जाएगा, इसको साफ किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको साफ किया जाएगा पेट्रोलियम को। और इसमें से क्या निकलेंगे, इसमें से निकलता भी पेट्रोल, इसमें से निकलता है डीजल, इसमें से निकलता है कैरोसिन जिसको मिट्टी का तेल बोला जाता है, इसमें से निकलती है पेट्रोल गैस, पेट्रोल गैस, ठीक है, बात समझ में आएगी।
प्राकृतिक गैस अलग है, पेट्रोल गैस अलग है, याद रखना। प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम के ऊपर प्राप्त होती है तो वो अलग है, प्राकृतिक गैस। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। अब ये जो चीज है, इसके अलावा इसमें से और भी दूसरे ठोस पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, जैसे मोम भी इसमें से प्राप्त होता है हमें, और तारकोल भी इसमें से प्राप्त होता है हमें। कहने का मतलब क्या है, पेट्रोलियम के अंदर द्रव गैस और ठोस है, तीनों चीजों का मिश्रण भरा होता है, और उन तीनों चीजों को हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल का प्रयोग आपको पता ही है, पेट्रोल का प्रयोग हम गाड़ियों में करते हैं, डीजल का प्रयोग भी हम गाड़ियों में करते हैं, इसके अलावा जो खेतों में जो ट्यूबवेल होते हैं जिनमें इंजन का प्रयोग होता है वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैरोसिन का प्रयोग भी हम घरों में करते हैं ईंधन के रूप में, स्टोव में, स्टोव जो होते हैं कैरोसिन स्टोव, खाना बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल गैस जो होती है, पेट्रोल गैस देखो, जो पेट्रोल गैस है ये वोलेटाइल है, मतलब गैस के रूप में है। अब गैस के रूप में तो इसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसानी होगा, और अगर आप लेके जाओगे भी, मान लो कोई आपको ये कह दे कि एक किलो गैस देना, गैस अगर गैस के रूप में है तो एक किलो गैस में कितनी गैस आएगी, कितना बड़ा चैम्बर भर जाएगा। तो इस प्रकार इस प्राकृतिक इसको पेट्रोल गैस को ऐसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इस पेट्रोल गैस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देंगे। अब प्रेशर डालने से क्या होगा, ये द्रव में बदल जाती है, क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ठोस द्रव और गैस, जो गैस के होते हैं दूर दूर होते हैं, और जब हम इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो ये नजदीक आ जाते हैं, ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो बहुत अधिक प्रेशर डालकर हम इसको पेट्रोल गैस को किसमें बदल देंगे, पेट्रोलियम। देखो इसको पेट्रोल गैस नहीं, पेट्रोलियम गैस होगी, पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम से प्राप्त हुई है तो पेट्रोलियम गैस है, तो पेट्रोलियम गैस ये हमारे पास। अब इसको ऊपर प्रेशर डाल के हमने क्या कर दिया, इसको संपीड़ित कर दिया, मतलब द्रव में परिवर्तित कर दिया, ये पेट्रोलियम गैस है। जब इसको द्रव में परिवर्तित कर दिया तो ये बन जाएगी क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब क्या एलपीजी। अब एलपीजी नाम सुनते ही समझ जाओगे एलपीजी क्या है। एलपीजी वो गैस है जो हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब इस गैस में क्या होता है, देखो इसका मुख्य कंपोनेंट पेपर में आ सकता है, ये इसमें मुख्य होता है ब्यूटेन होता है भाई, ब्यूटेन। उसके बाद इसमें होता है प्रोपेन, और इसमें होता है इथेन। ये तीन गैसें मुख्य रूप से जिसे द्रव सिलेंडर में भर देंगे। एक देखो सिलेंडर के अंदर हम 14 किलो गैस को आसानी से भर देते हैं, जो सिलेंडर आता है अगर हम उसमें 14 किलो गैस होती है 14 किलोग्राम, तो उसको भर दिया। जब उसमें से हम उसकी नोब को दबाएंगे, जब उसमें से वो गैस निकलेगी तो जैसे ही उसको स्पेस मिलेगा, वो ऐसा नहीं कि लिक्विड के रूप में निकलेगी, नहीं, उसको स्पेस मिलते हुए दोबारा से गैस में परिवर्तित हो जाएगी, और फिर हम उसको गैस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है भाई, एलपीजी मुख्य इसके घटक हो गए ब्यूटेन प्रोपेन इथेन, बात समझ में आएगी। अब अगर हम देखें किसको, प्राकृतिक गैस को, प्राकृतिक गैस वह गैस है जो पेट्रोलियम के जब भंडार मिलते हैं तो उसके ऊपर गैस पहले होती है, तो उस गैस को पहले निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस। इतना ज्यादा प्रेशर होता नीचे, जैसे ही हम कोई पाइप डाला जाता है, पहले पाइप द्वारा पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है, उनको तेल का कुआं बोला जाता है, ऑयल वेल्स, जहां ये काम होता है। अब जब प्रेशर ज्यादा होगा अंदर गैस का, तो कई बार एक छेद तो किया जाता है सिर्फ गैस निकालने के लिए, कई बार फिर हम पेट्रोलियम निकालने के लिए दूसरा छेद करते हैं, तो अंदर इतना प्रेशर होता है कि उस प्रेशर के कारण पेट्रोलियम अपने आप बाहर आने लग जाता है। कब तक, जब तक प्रेशर रहता है, जब प्रेशर खत्म होता है तो फिर उसको मशीनों से बाहर निकालेंगे। तो प्राकृतिक गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस, इसका मुख्य घटक होता है भी मीथेन। क्या होता है, मीथेन, याद रखना ये CH4 मुख्य रूप से 95% प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है। इसके अलावा इसमें इथेन भी होती है और प्रोपेन भी होती है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन है, इसका मुख्य घटक इथेन है। प्राकृतिक गैस को भी, अब इसको भी गैस के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं,
नेचुरल गैस। अब इसको भी कंप्रेस किया जाएगा, मतलब इसको भी द्रव अवस्था में पहले बदला जाएगा। किस कैसे? कंप्रेशन से। तो कंप्रेस करके जब गैस बनेगी तो उसको बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहेंगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, शॉर्ट में CNG। नाम सुनते ही समझ में आ जाएगा CNG। CNG का प्रयोग गाड़ियों में करते हैं हम, किसके लिए? गाड़ियां चलाने के लिए, ऑटो चलाने के लिए। आजकल बसें चल रही हैं किससे? CNG से। ठीक है भाई, बात याद रहेगी। हाँ ठीक है, अब ये हो गया CNG। अब एक बात इसमें याद रखना है LPG में, कि LPG को हम डिटेक्ट कर सके आसानी से, इसके लिए हम LPG में कोई पदार्थ मिलाते हैं, कोई चीज मिला देते हैं LPG के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए इसके रिसाव का कि कहीं LPG निकल रही है। तो इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? इसको इसमें मिलाया जाता है भाई इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है, सूत्र है C2H5SH, ये होता है इथाइल मरकैप्टेन। इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी तीखी होती है, जो स्मेल आती है ना गैस की, वो इसके कारण आती है। ये मिला जा रहा है उसमें ताकि हमें पता चल जाए कि गैस का रिसाव हो जाए तो। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा आज की वीडियो के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।